तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है। इसी कड़ी में कोटा में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने को लेकर 3 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इन बूथों पर मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही कोटा उत्तर में एक निजी स्कूल में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। तो वहीं वरिष्ठ जनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद कुछ मतदाताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान आज हो रहा है। इस समय मैं खड़ा हूं कोटा के आदर्श मतदान केंद्र पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहां पे लगी हुई है। मतदाता यहां पे आए हुए हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था जो है मतदाताओं के लिए की गई है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, कैंपरों की व्यवस्था की गई है। इस पर कुछ मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उनसे जानते हैं कि आदर्श मतदान केंद्र पर आने के बाद उनको किस तरह का अनुभव देखने को मिला और क्या रहा उनका मतदान का। सर, आपने अपने मत का प्रयोग कर दिया? हाँ, मैंने मत का प्रयोग किया। मेरा नाम डॉक्टर DAC यादव है। मैं राजनीति शास्त्र का ही प्रोफेसर हूँ और यहाँ मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि सीनियर सिटीजन की हैसियत से मुझे पहले जाने दिया गया। और दिसंबर की बजाय इस समय जब हम देख रहे हैं तो ये सारा का सारा आईना ही बदला हुआ नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह का अपने मत का प्रयोग किया है और किस तरह का अनुभव उनको यहाँ आदर्श मतदान केंद्र पर रहा है। बहुत अच्छा, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बस और कुछ नहीं कर रहा। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वोट डाला है, उन्होंने सेल्फी भी लिया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट जो बना रखा है निर्वाचन विभाग की ओर से, उनसे जानते हैं कि पहली बार उन्होंने सेल्फी का यूज किया होगा, किस तरह का उनका आदर्श मतदान केंद्र में उनका अनुभव देखने को आज मिला है। मैम, बहुत अच्छा मिला है और बहुत अच्छा लगा, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया। मैम, सेल्फी भी आपने यहाँ पे ली है, तो सेल्फी पॉइंट किस तरह का बनाया गया है? बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम को 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि इस बीच कई जगहों पर EVM मशीन के खराब होने की भी जानकारी लगातार मिल रही है, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी और जो कार्मिक कर्मचारी वहाँ मौजूद हैं वो लगातार EVM मशीन को जो खराब है उनको सुचारू कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। हालांकि इस बीच भीषण गर्मी की वजह से मतदाताओं को भी थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 10-15 मिनट उनको लाइनों में भी लगना पड़ा, लेकिन इस बीच काफ़ी उत्साह जो है मतदाताओं में बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर। योगेंद्र महावर, A1 TV, कोटा।